हेलो दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो बताऊंगा आप लोगों को वो B2B इनवॉइसेस के बारे में बताऊंगा कि B2B इनवॉइसेस क्या होते हैं और इनका यूज क्यों करते हैं। तो अगर मैं बात करूं B2B का मतलब क्या होता है, तो B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, और ये GST के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रजेंट करता है। और उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अगर आप कभी भी कोई भी क्या करते हैं कि कोई भी सामान को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किसी सामने वाले पर्सन को, और जो सामने वाला पर्सन होता है वो GST में एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, और जो सप्लाई कर रहा होता है, जैसे कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं भी अगर GST में रजिस्टर्ड हूँ, तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ GST में और सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है GST में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे B2B हो जाएगा, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। तो उसमें दोनों को बेनिफिट क्या होता है, दोनों ही पर्सन क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और इनकी एंट्री को हम कैसे पास आउट करेंगे B2B इनवॉइसेस के अंदर यहाँ पे, तो आज की क्लास वो रहेगी हमारी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को ओपन कर लेना है, और टैली को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले GST की डिटेल पूछता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, GST का कोई भी GST नंबर आपको टाइप कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और नॉर्मल यहाँ पे सेव करके सेव कर दो। आप सेव करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको वाउचर में जाना होता है, और नॉर्मल आपको अपने सेल वाउचर के अंदर अपनी एंट्री को पोस्ट करना होता है, क्योंकि सप्लाई मैं कर रहा हूँ तभी जाकर वो B2B के अंदर क्या होगी, एंट्री को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो पार्टी का नाम कोई भी एक रैंडम डाल सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक डाल दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल शाम, और ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे डेटर हो गया। और यहाँ पर उस डेटर की क्या आ जाएगी, प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल को मेंशन करना है कि उसका एड्रेस क्या है, बट यहाँ पर उसका GST नंबर आप लोग डाल दो यहाँ पे। और नॉर्मल यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। और सेल कर रहे हैं तो आप लोग किस में करोगे, सेल्स में करोगे, और नॉर्मल सेव कर देना है यहाँ पे। अब जो भी अपने आइटम को क्या करो, सेल कर रहे हो, वो आइटम आपको यहाँ पे लिखनी है आपको, तो पीसीस है, और यहाँ पे उसका HSN कोड डाल दो। लाइक 20 पीस में सेल आउट कर रहा हूँ 24,500 के, और इस पर आपका क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, यहाँ पे टैक्स लगा दो, ये आउटपुट CGST। और सिंपल यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे सेव करके सेव कर दो यहाँ पे। जैसे सेव करके आप सेव करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कहाँ पर जाना है आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, और GST की रिपोर्ट पे जाना है, और GSTR1 पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे ना यहाँ पे, तो वो B2B के अंदर क्या कर रहा है, अपनी एंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि B2B क्या होता है, तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि सामने वाला पर्सन भी GST में रजिस्टर्ड पर्सन है, और जो सप्लाई कर रहा है वो भी GST में रजिस्टर्ड पर्सन है, और दोनों अगर कोई भी सामान क्या करेंगे, आपस में सेल आउट करेंगे, तो वो वाली एंट्रीज हमारी B2B होती है, और दोनों ही केस में दोनों पर्सन क्या कर सकते हैं, अपना ITC क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।